students, how are you? Are you fine? Okay. Today we are going to learn UKG class maths lesson same and different. Same means ek jaisa. S-A-M-E. Same. Same means ek jaisa. Iska opposite hai D-I-F-F-E-R-E-N-D. Different. Different means अलग अलग, एक जैसा नहीं, अलग अलग. See the picture, these are two circles. ये दोनों circle है, ये दोनों एक जैसा है. लेकिन इधर एक circle है, एक square है. ये different हो गया. ये same हो गया, ये different हो गया. और these are two triangles. ये दोनों triangle है, ये same है. दोनों एक जैसे है, सेम है. और इधर एक ट्रायंगल है, एक स्टार है. दोनों अलग अलग शेप का है. ये डिफरेंट है. ये फ्लावर्स है, टू फ्लावर्स है. दोनों दोनों सेम फ्लावर है. इधर एक फ्लावर है, एक लीफ है. ये डिफरेंट है. ये सेम हो गया, ये डिफरेंट हो गया. समझ में आया? ऐसे अपना बुक में कई पेज नंबर 46 में दे रखा है सेम एंड डिफरेंट. सेम कलर का, डिफरेंट कलर का, ऐसे दे रखा है. सेम शेप का, डिफरेंट शेप का. और ऐसे अपना 47 पेज में सेम पिक्चर का गोला लगाने के लिए, सर्कल करने के लिए दे रखा है. सेम पिक्चर का, सेम कार है उसको सर्कल करना, सेम स्कूटर उसको भी सर्कल करना, और सेम बलून उसको भी सर्कल करना. और नेक्स्ट पेज में 48 पेज में डिफरेंट को टिक लगाना. ऐसा चार पांच पिक्चर दे रखा है, एक एक लाइन में जो अलग दिख रहा है उसको टिक लगाने के लिए. ये भी अपने बुक में कर लेना. और सेम एंड डिफरेंट का स्पेलिंग याद करना, उसका कंसेप्ट समझना. ओके. और टेबल, टेबल टू से लेकर फाइव तक रोज रीडिंग करो. जितना टेबल रीडिंग करते हैं वो रोज रीडिंग कर लेना. आज हम 6 का टेबल लर्न करेंगे. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60. ये अपना कॉपी में लिखना. 5 तक अपना टेबल पहले हो गया, और एलकेजी में भी हमने 5 तक लर्न करके आया. अभी 6 का टेबल लर्न करना है. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60. अपना नोटबुक में लिखना, और नेक्स्ट पेज में होमवर्क भी करना. और डेली 2 से लेकर 6 तक टेबल रीडिंग करते रहो, वो याद हो जाएगा. एक दिन भी नहीं छोड़ना. टेबल के लिए छुट्टी का दिन नहीं, एक दिन भी छुट्टी नहीं. रोज सुबह शाम टेबल को ऐसे लर्न करना, रीडिंग करना, तब याद हो जाता है. भूलना नहीं. हम आगे एग्ज़ाम के लिए और अलग क्लास के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए याद रखना. और
अपने बुक को रीडिंग करना, याद करके रखना। ओके, थैंक यू बच्चे।